Chennai Brigade and Mr. Vijay Dar, Chairman DP. From the start, and we are grateful for allowing us to use this school grounds for the conduct of the tournament matches this year. Chennai Ready Brigade to present a memento to Mr. Vijay. इस इनिंग का ये फील्डर दो रन लेना चाहते थे और बिल्कुल दो रन भी उन्होंने मुकम्मल कर पाए था जब मैंने टॉस टाइम से पहले विकेट को देखा था और ये लगा तरोताजा विकेट है और लाइन अप में और उसके साथ लायक होगा कितना अच्छा खेलेगा क्योंकि क्रिकेट में रन के लिए स्कोर बार शॉट फिर से स्कोर खेलने की कोशिश हमारे पास एक क्रॉस में चले जाते हैं और अपना जो तारुफ है वो अपनी बल्लेबाजी से करवाते हैं। पर्टिकुलर केपीएल की बात नहीं करता मैं, हर किसी क्रिकेट टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ। क्रिकेट टूर्नामेंट काफ़ी मस्त है यहाँ पे कश्मीर में, चाहे वो केपीएल हो या कोई अपने आन ब्याह पे कोई टूर्नामेंट निकालते हो, सारा कुछ क्रिकेट स्पोर्ट्स सारा कुछ मस्त है यहाँ पे। लड़कों को काफी हौसला अफजाई होती है ऐसे बड़ा टूर्नामेंट ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलने के लिए, काफी हौसला अफजाई होती है लड़कों को। हम चिनार कोर की तरफ से कश्मीर प्रीमियर लीग कर रहे हैं, जैसा सभी को बताया ये कश्मीर प्रीमियर लीग 2011 से 2013 के बीच में हुआ था और पिछले साल हमने इसको दोबारा शुरू किया है और इस साल और भी बड़े स्केल पे कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेटली 3200 स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया है, अप्रॉक्सीमेटली 200 टीम्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 3000 ऑफिशियल्स गेम इंचार्ज। तो आप देखें तो हमने 6000 लोगों को एंगेज कर लिया है 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से और कंटिन्यूसली उनको हम 3 महीने के लिए एंगेज कर रहे हैं। वो मोटिवेट हो रहे हैं, प्रोत्साहित हो रहे हैं कि ये आर्मी उनके लिए करा रही है। पिछले साल आप सभी ने देखा था किस तरह ये कश्मीर का एक बड़ा इवेंट था। मैं आपको अश्योर करता हूँ इंडियन आर्मी इनको हर चीज़ में मदद करेगी और इसको उतना ही बड़ा इवेंट हम बनाएंगे। मैं तो ये कहूँगा नौजवानों और आर्मी के बीच कोई गैप ही नहीं है, हमारे साथ वो मिलते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारी मदद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं।